सी प्रोग्राम बेस्ड ऑन स्ट्रिंग ऑपरेशन, जस्ट इस केस में गिवन ऑपरेशंस को कंप्लीट करने के लिए प्रोवाइड करना जस्ट यूजर डिफाइंड फंक्शंस और लॉजिक स्टार्ट डाउन करना इन द फॉर्म ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। आप चाहो तो सेम लॉजिक्स डायरेक्टली मेन फंक्शन के अंदर रिपोर्ट कर सकते, लेकिन मैंने जितने भी प्रोग्राम्स आपको प्रोवाइड किए सभी प्रोग्राम्स के अंदर लॉजिक्स मेन फंक्शन के अंदर राइट डाउन करके मैंने सेपरेटली यूजर डिफाइंड फंक्शंस के फॉर्म में क्रिएट करा। इसका मेन पर्पज क्या है, अगर आपको ये ऑपरेशंस किसी भी प्लेस पर रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड प्लेस पर आपके लिए डायरेक्टली फंक्शंस को कॉल करना पॉसिबल है बाय सप्लाइंग गिवन रिक्वायर्ड स्ट्रिंग्स। नेक्स्ट इस केस में जस्ट परफॉर्म क्या कराना है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग अवेलेबल है तो ना इसे स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर डिस्प्ले कराना है बट फ्रॉम गिवन कैरेक्टर ऑनवर्ड्स। फॉर एग्जांपल इफ इनपुट स्ट्रिंग इज लाइक दैट, अगर मैंने कोई स्ट्रिंग एंटर किया है लाइक दैट, इसी में से कोई कैरेक्टर ले देता हूँ लाइक समथिंग फ्रॉम, मीन्स अगर आपने रन टाइम पर कोई स्ट्रिंग एंटर किया है एज अ फ्रॉम, देन फ्रॉम स्ट्रिंग के केस में बात करें तो टोटल साइज क्या है इसका 5, देर आर 5 कैरेक्टर्स एफ आर ओ एम एंड फाइनली टर्मिनेट किससे हुआ नल कैरेक्टर, दिस द इनपुट स्ट्रिंग। अगर आपने कीबोर्ड से कोई स्ट्रिंग एंटर किया लाइक दैट, देन इस केस में ऑपरेशंस क्या परफॉर्म कराना, अगर आप इस स्ट्रिंग को डायरेक्टली प्रिंट कराओगे डायरेक्टली डिस्प्ले क्या हो जाएगा सेम मैसेज एज फ्रॉम। लेकिन जस्ट इस केस में रिक्वायरमेंट्स क्या है, इससे कंप्लीट स्ट्रिंग डिस्प्ले न करा के, मीन्स मैं स्ट्रिंग को ब्रेक करूंगा बाई यूजिंग गिवन कैरेक्टर्स। सपोज दैट इस केस में मैंने फंक्शन कॉल किया लाइक देन प्रिंट, फंक्शन नेम क्या इस केस में जा प्रिंट स्ट्रिंग प्लस इस केस में मैंने इनपुट पास किया एज अ फ्रॉम लाइक दैट, इस फ्रॉम के रिस्पेक्ट में मैंने ब्रेक पॉइंट क्या पास किया कैरेक्टर एस ओ। मैं कह जाता हूँ स्ट्रिंग को किस प्लेस से डिस्प्ले कराना, फ्रॉम सर्चिंग कैरेक्टर ओ ऑन बोर्ड, देन इस केस में आपका मीन्स लॉजिक क्या रहेगा, मीन्स ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या है इस केस में फ्रॉम, आपको फ्रॉम में मीन्स वन बाई वन सारे के कैरेक्टर मैच किससे कराना है गिवन कैरेक्टर एस ओ समथिंग सी एस, देन इस केस में स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स में रिप्रेजेंट करूंगा इन द फॉर्म ऑफ ए ऑफ आई। तो इस केस में जस्ट परफॉर्म क्या कराओगे लूप के अंदर, जब लूप के थ्रू स्ट्रिंग को बिलीट कराएंगे तो इस केस में लूप्स के लॉजिक्स अगेन सेम रहेंगे, मीन्स लूप एवरी टाइम आपने देखा सभी केस में सेम रहता है, लूप के अंदर कोई भी चेंजेस परफॉर्म किए क्या, सपोज दैट इस स्ट्रिंग का पॉइंटर क्या है ए, देन लॉजिक्स क्या हूँ ए ऑफ आई, जब तक ए ऑफ आई का वैल्यू नल नहीं हो जाता तब तक ऑपरेशन टेस्ट करें देन आई प्लस प्लस क्लियर, देन इस लूप के अंदर जस्ट टेस्ट क्या करना है पोजीशन और फर्स्ट ऑक्रेंस ऑफ द गिवन कैरेक्टर सी एच, सपोज दैट अगर ये कैरेक्टर ओ और सी एच में साइन है देन आप इफ कंपेरिंग किस टाइप से प्रोवाइड करो, इफ वैल्यू ऑफ ओ ऑफ आई ए ऑफ आई इज इक्वल्स टू गिवन कैरेक्टर सी एच, तो करंट केस में गिवन कैरेक्टर सी एच का वैल्यू क्या है नथिंग बट ओ, तो ए ऑफ आई के केस में अगर आई का वैल्यू जीरो है देन जीरो केस में फर्स्ट टाइम ओ मैच किससे हुआ एफ से नॉट मैच्ड, नेक्स्ट टाइम ओ मैच किससे हुआ आर से नॉट मैच्ड, नेक्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या रहा हुआ दिस इज द वेरिएबल आई, फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या रहा हुआ जीरो, नेक्स्ट टाइम वन, नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या हो चुका है समथिंग टू, देन जैसे ही आई का वैल्यू टू हुआ देन ए ऑफ टू में क्या फाउंड हो रहा है जस्ट एग्जैक्टली ओ, ए ऑफ टू का भी वैल्यू क्या है ओ और सर्चिंग कैरेक्टर भी क्या है ऑल्सो ओ, इस कंडीशन बिकम्स ट्रू, जैसे ही कंडीशन ट्रू होता है देन इसके जस्ट बाद कमिंग सारे के सारे आपको स्ट्रिंग कैरेक्टर डिस्प्ले कराना, तो डिस्प्ले कराने के लिए यूज क्या करेंगे जस्ट प्रिंट टैब, लेकिन इसके जस्ट बाद सिंगल कैरेक्टर होगा मल्टीपल कैरेक्टर्स पॉसिबल, मल्टीपल कैरेक्टर्स पॉसिबल, अब आपके पास टू चॉइस है, या तो आप सारे के सारे कैरेक्टर वन बाई वन फिर से एक और लूप लगाना पड़ेगा एट ए टाइम एक सिंगल कैरेक्टर डिस्प्ले कराओ वन बाई वन कब तक जब तक नल नहीं मिल जाता, दूसरा चॉइस क्या आपके पास सिंपली जिस प्लेस पर ओ लोकेट हो रहा है उस प्लेस का एड्रेस पास करो इनसाइड स्ट्रिंग लाइक दैट परसेंट एस, और इस लोकेशन का एड्रेस कैसे मिलेगा करंटली पॉइंटर पर एक ही बात करूँ तो ए का एड्रेस क्या है 100, जैसे प्रिंट में पास किया प्रिंट एफ में पास क्या करोगे ए प्लस आई सफिशियंट है क्लियर, देन क्लोज, देन वन मोर थिंग्स, जैसे इस केस में स्ट्रिंग प्रिंट हो चुका है आगे आपको लूप कंटिन्यू करने की जरूरत है क्या नहीं, सिंपली लूप को टर्मिनेट करने के लिए कॉल क्या करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न बैक टू कॉलिंग प्लेस, मीन्स कंट्रोल इमीडिएटली कहाँ सेंड हो जाए इट्स कॉलिंग प्लेस, अदरवाइज सपोज दैट अगर ये कैरेक्टर मैच नहीं होता, अगर आपने कैरेक्टर पास किया समथिंग एक्स और एक्स कहीं फाउंड हो रहा है क्या नहीं, तो इस केस में कभी कंडीशन इफ कंडीशन ट्रू ही नहीं होगा तो इस केस में लूप के बाहर क्या डिस्प्ले करा सकते हो सम एरर मैसेज एज प्रिंट एफ
परसेंट सी और गिवन कैरेक्टर परसेंट सी नॉट फाउंड, नॉट फाउंड इन ओरिजिनल स्ट्रिंग लाइक दैट. अब कोई भी मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग. परसेंट सी मीन सी एच लाइक दैट. दिस द एक्चुअल लॉजिक्स ऑफ गिवन प्रॉब्लम. वन मोर केस, इससे जस्ट मैसेज कैसे डिस्प्ले हो रहा है, जैसे एक ही बात करें तो एक ही मीन जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा ए के प्लेस पर क्या आएगा 100 और आई का वैल्यू करेंटली क्या था 2. 100 प्लस 2 पास क्या हो रहा है प्रिंट एफ के अंदर 102. देन प्रिंट एफ किस प्लेस से डेटा को रीड करना स्टार्ट करे फ्रॉम 102 ऑनवर्ड्स. कब तक डिस्प्ले करा है, जब तक नल नहीं मिल जाता. तो इस केस में कंप्लीट कैरेक्टर डिस्प्ले होता है. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जस्ट मैं फंक्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ. फंक्शन का रिटर्न टाइप यूज करेंगे एज अ वाइड. देन फंक्शन नेम, फंक्शन का मैं नेम यूज करूँ एज अ प्रिंट str. आप कोई भी फंक्शन है अपने अकॉर्डिंग राइट डाउन कर सकते हो. इसके सिमिलर सी लैंग्वेज ने प्रीडिफाइंड फंक्शन भी प्रोवाइड किया आपके लिए. ऑलरेडी लाइब्रेरी फंक्शन भी अवेलेबल है सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने. पॉइंटर वेरिएबल a. इसके अलावा आप एक और मिस इस फंक्शन के अंदर कितने आर्गुमेंट पास करो, 1 आर्गुमेंट और 2 आर्गुमेंट. फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है स्ट्रिंग, सेकंड आर्गुमेंट क्या है रिक्वायर्ड कैरेक्टर सर्चिंग कैरेक्टर. तो सेकंड वेरिएबल अगेन क्रिएट करेंगे एज अ कैरेक्टर टाइप है ch. देन सेम लॉजिक्स पुट करना जो कि मैंने नीचे मेंशन किए हैं. एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल क्या रहेगा समथिंग आई, फोर इटरेटिव वेरिएबल्स, फोर आई इक्वल्स टू 0 ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू नल और सिंपली ए ऑफ आई. बोथ आर हैविंग सेम मीनिंग्स. अगेन इफ कंडीशन अप्लाई करें, इफ कंडीशन क्या अगेन इफ ए ऑफ आई इज इक्वल इक्वल्स टू सी एच. जैसे ए ऑफ आई की वैल्यू सी एच से मैच होती है इसका मतलब क्या गिवन कैरेक्टर मैच हो चुका है. देन आपको डिस्प्ले कराने की जरूरत है. तो डिस्प्ले कराने के लिए यूज क्या करेंगे अगेन प्रिंट एफ और सिंपली पुट्स. बोथ आर हैविंग सेम मीनिंग्स. तो पुट्स के केस में आप पास क्या करोगे ओनली ए और ए प्लस आई, ए प्लस आई जो कि आपको प्रिंटिंग कैरेक्टर का प्रॉपर पोजीशन प्रोवाइड करेगा. दिस अर्थमेटिक ऑपरेशंस. देन प्रिंट कराने के जस्ट बाद आपको आगे लूप कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, ना ही फंक्शन को आगे कंटिन्यू करने की जरूरत. फंक्शन कंट्रोल कॉलिंग प्लेस पर सेंड करने के लिए यूज क्या कर लेंगे जस्ट रिटर्न स्टेटमेंट और एम्प्टी रिटर्न. रिटर्न स्टेटमेंट का वर्किंग क्या है सेंडिंग एग्जीक्यूशन कंट्रोल इट्स कॉलिंग प्लेस. बट सपोज सेट अगर ये कंडीशन एक ही बार सेटिस्फाई नहीं हुआ देन इस केस में जैसे ही लूप का कंडीशन फॉल्स हो कंट्रोल का आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप. अगर कंट्रोल इस प्लेस पर आ चुका है इसका मतलब क्या है गिवन कैरेक्टर किसी भी कैरेक्टर से स्ट्रिंग के अंदर मैच ही नहीं हो रहा है. देन उस केस में डिस्प्ले क्या करा लोगे एरर मैसेज एज पुट्स गिवन कैरेक्टर इज नॉट फाउंड, गिवन कैरेक्टर Not found. इस आप इसके लिए खुद से मैन फंक्शन राइट कर सकते हो. मैंने जस्ट प्रोवाइड क्या किया है एक्चुअल लॉजिक्स. देन मैन फंक्शन के अंदर जब भी इस टाइप के लॉजिक्स रिक्वायर्ड होंगे आप सिंपली उस स्पेस पर कॉल किया कर लोगे प्रिंट एस टी आर फंक्शन. फर्स्ट आर्गुमेंट पास करोगे रिक्वायर्ड स्ट्रिंग, सेकेंड आर्गुमेंट के केस में पास करोगे सर्चिंग कैरेक्टर. क्लियर? आप चाहो तो मैन फंक्शन सेपरेटली राइट डाउन कर सकते इन दैट प्लेस लाइक दैट void main. नेक्स्ट वन इस केस में कैरेक्टर एरे क्रिएट किया विद मैक्सिमम साइज एज 100. देन आपको एक और वेरिएबल क्रिएट करना है एज अ सी एच. देन सबसे पहले रीड क्या करना है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को रीड करने के लिए कॉल क्या कर सकते हो गेट्स फंक्शन. गेट्स फंक्शन मैंने राइट डाउन किया जा ए. नेक्स्ट टाइम एंटर क्या कराना है कैरेक्टर, इससे जस्ट पहले आप कॉल कर सकते हो एफ प्लस फंक्शन. इससे बफर में कोई एग्जिस्टिंग कैरेक्टर अवेलेबल ना हो एफ प्लस एस टी डी इन. इसके इसमें स्पेशली आ रखना हैडर फाइल्स इंक्लूड होना चाहिए. नेक्स्ट वन जस्ट इन कैरेक्टर रीड करने के लिए यूज क्या कर सकते हैं सी एच इक्वल्स टू गेट कैर फंक्शन और सिंपली स्कैन है. बोथ आर हैविंग सेम मीनिंग्स. नेक्स्ट इसके जस्ट बाद कॉल क्या करोगे प्रिंट एस टी आर. प्रिंट एस टी आर में फर्स्ट आर्गुमेंट पास करेंगे ए, सेकेंड आर्गुमेंट पास करेंगे सी एच. इसके थ्रू जस्ट लॉजिक्स पथ हो जाए. क्लियर?